गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल तुषी शाहानी। कुछ दिन पहले किट्टू का गाड़ी ख़राब हो गया था और किट्टू काफ़ी दिनों से बहुत रो रहा था ठीक करने के लिए। उसके पापा आज फाइनली ठीक कर दिए हैं और ये चलाना भी सीख गया और अकेले से चला रहा है बहुत अच्छे से, और उसके पापा उसको गाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे उसको चलाना है। हैप्पी, पापा को थैंक यू करके हग कर लो। आ, गाड़ी ठीक हो गया आपका? गाड़ी ठीक हो गया? आपको ट्रायंगल खाना है? आपको ट्रायंगल खाना है? दिखाओ मुंह, देखो इधर। पूरी के में ट्रायंगल चाहिए? ट्रायंगल पूरी चाहिए? ट्रायंगल पूरी? हाँ। सुबह से उठ के किट्टू रिजिद किया कि उसको आज पूरी खाना है, और उसके पापा बोल रहे थे गर्मी में पूरी नहीं खिलाते, ऑयली चीज है। फिर हम बोले कि आज अगर उसका मन करे तो आज ही खाएगा, 10 दिन हफ्ता दिन बाद तो नहीं खाएगा, महीने दिन बाद नहीं खाएगा वही। लेकिन सुबह में थोड़ा सा बहस हो गया। और अब पूरी का आटा ना नमक, बस नमक दे के सानने के बाद अगर 10-15 मिनट उसको ढक के छोड़ दिया जाए ना, उसके बाद जब उसको छानते हैं ना, पूरा एकदम बॉल की तरह, गुब्बारे की तरह फूलता है बिना सोडा के, जो खाने वाला सोडा दिया जाता है उसके। और देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से फूल रहा है। किट्टू का ट्रायंगल पूरी भी देखो हो गया है, ये भी फूल गया है। तो ये रहा आज का सुबह का किट्टू का नाश्ता, गर्मा गर्म पूरी एकदम बलून की तरह सारा फूल रखा है, और साथ में है चिकन, कल का चिकन का कशा। किट्टू के पापा जिस दिन घर पर रहते हैं उस दिन किट्टू को सुबह का नाश्ता कराने का ड्यूटी उनका रहता है, तो हम उनको लाके दे दिए। वो किट्टू को खिला रहे हैं और उस टाइम पे घर का जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो हम कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले झाड़ू लगा दिए, क्योंकि मेरा रूम पे बहुत सबसे लेट झाड़ू लगता है, किट्टू सोया रहता है लेट से उठता है। उसके बाद जो बर्तन वगैरह हो गया था वो सब धो लिए, और जो सुबह का बर्तन सूख रहा था, फ्रेंड्स धूप अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, अभी 9 ही बजता होगा शायद, और बर्तन चूल्हे के ऊपर से उतारने के बाद जितना गर्म होता है ना उतना ज़्यादा गर्म हो गया था। हाथ में पकड़ के यहाँ से लेके मुझे किचन के अंदर तक जाने में ना ऐसे लग रहा था हाथ ही जल जाएगा। जलता तो नहीं है ऐसे, पर गर्म जैसा फील होता है। तो इसको रख देते हैं, टेबल के पास भी धूप आ गया है, तो चटाई सब धोना है। अगले दिन किट्टू आइसक्रीम खाया था ना, तो चटाई पर गिरा दिया था, तो दोनों चटाई धो लेंगे, एक धोएंगे तो साथ में छोटे वाले भी धो लेते हैं। चटाई सबको ना थोड़ा सा पानी में भिगो के छोड़ देने के बाद, और जैसे थोड़ा सा सार्फ घोल लेने के बाद, उसके बाद अगर वो हल्का हल्का देते रहे और घिसते रहे ना, तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और ऐसे सार्फ उसके ऊपर दे के अगर घिसे ना, तो धोते टाइम बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। तो इस तरीके से हम अपना चटाई सब भी दोनों धो ले रहे हैं, ऐसे धूप बहुत ज़्यादा है ना, सुबह से लेके रात दोपहर का 4-4:30-5 बजे तक धूप रहता है, तो करे भी तो किस टाइम काम करे। तो धूप में थोड़ा बहुत सुबह सुबह हो भी जाता है, उतना ज़्यादा कड़ा नहीं रहता है। और दोपहर के जैसे 12-1 बजे तो इतना होता है कि घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किट्टू भी आ गया था निकल के, उसको हम बोले कि पहले घर पर जाके बैठो नहीं तो लू लग जाएगा, क्योंकि जो हवा बह रहा है ना गर्म गर्म सा, एकदम लू जैसा ही है। इसके पापा गए थे मार्केट, आ गए हैं, वो उधर है मासी के घर पे, और देखते हैं क्या क्या लाए हैं। और जब भी पापा मार्केट से बाहर अंदर आते हैं ना, घर मतलब घुसते हैं आंगन पे, किट्टू दौड़ के जाता है और बोलता है मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, आज नहीं है। तो उसके पापा बोल रहे हैं कहाँ गया, बोलो उधर साइड में है। बिहारी बाबू मार्केट से लाए थे इतना बड़ा सा तरबूजा, ये था 3.5 किलो का और 20 रुपया किलो, और इसका प्राइस था। और साथ में था परवल जो 40 रुपया किलो, और आलू का प्राइस मुझे पता नहीं है क्योंकि हम पूछे ही नहीं थे। वैसे ही परवल का कलर ना कुछ ग्रीन नहीं था, वाइट वाइट टाइप का था,
तो परवल जैसा ही था पर पता नहीं कुछ अलग कलर था। गर्दन टूट जाएगा, शॉर्ट्स देख देख के बच्चा बिगड़ गया है सब। ओ उमा, पूछ देंगे भी पकड़ के। किट्टू देखो कैसे बदमाशी कर रहा है, देखो देखो हाँ देखो। क्या बोला? मैं मार रहा। फिर बैठा बेटे सब। गर्मी किट्टू सुनो तो पापा को बोलो पापा एक एसी दिला दो, अंदर घुस के मम्मू बेटू बैठेंगे। पापा बोल पापा एक एसी दिला दो। पापा को जाके बोल रहा है। पापा क्या बोले? क्या कर रहे हो? किट्टू का हेयर काटेंगे। टकलू कितना घंटा चार्ज करना पड़ता है? पहले अपना करके दिखा दो कैसे करता है। एक ही बोला दिया ये। कौन सा? ऊपर का टोपी। एक है हाँ। बोले नहीं उसको? तीन नंबर। तीन नंबर मतलब बहुत बड़ा? छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ सही है, क्योंकि पूरा गर्मी बाकी है, उसको तकलीफ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मुंडन ना हो एकदम गंजा। आराम से मेरा बच्चा नहीं डरता है, बहुत बहादुर बच्चा है। ये पहली बार है जो किट्टू हेयर कट कराते टाइम रोया नहीं है, और जितने भी बार हेयर कट हुआ है ना पूरे मोहल्ला उड़ जाता है इसका। और अगर मार्केट जाता है तो मार्केट से आधा अधूरा काट के इसको घर लाना पड़ता है। और इस बार थोड़ा सा पहले टाइम रो रहा था पर उसके बाद समझ गया। मेरा किट्टू कैसे दिखता है? टकलू हो गया, मेरे टकलू हो गया है ना? पापा ने काट दिया। पापा ने काट दिया? हाँ। ओ मेरे बच्चा। पापा का खा कर दिया। पापा ने कर 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 दिया ना? अच्छा कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। गर्मी आ रहा है ना इसीलिए काट दिया। और आप सैलून पे काटना नहीं चाहते हो, बहुत रोते हो, सैलून वाले अंकल खुद परेशान हो जाते हैं, आधा अधूरा बोलते हैं कि अब नहीं काटना, बच्चे को लेते जाओ, इसीलिए घर पे कराना पड़ा है ना? देखो भी मम्मा को। भेंट्रा जी यस प्रिय, किट्टू कितना बच्चा बच्चा लगता है टकलू होने के बाद ना बीबी? छोड़ दो पापा करेंगे, पापा करेंगे, हाथ नहीं दो सब में। मिर्ची गाछ का जो पत्ता मोड़ बीमारी होता है ना उस वजह से ये दवाई है, क्योंकि मिर्ची का एक ही रोग होता है पत्ता मोड़ जाना। और सादा सादा भी कुछ हो जाता है ना, कीड़ा जैसा लग जाता है, बाकी कुछ तो देखे नहीं है वैसे। अब होगा स्प्रे। हट जा बेटा, हट जा बेटा, हट जा। बरसात तो नहीं करते रहे।